सभी विद्यार्थियों का वेलकम है आरंभ एग्री क्लास पर। चलो चलते हैं आज एक शानदार टॉपिक की ओर, जहां से हर बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, कृषि पर्यवेक्षक WAO और राजस्थान GK। ये बहुत ही शानदार टॉपिक है और मेरी कोशिश रहेगी, मैं बहुत मतलब मेरे हिसाब से बहुत कुछ इसमें ऐड करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। ब्रीड, ब्रीड का मतलब क्या होता है? नस्ल, नस्ल का मतलब होता है, आप पेन को भी उठा लेना, और नस्ल का मतलब परिभाषा होती है कि विशेष गुण रखने वाली पशु की नस्ल, वो दूध से संबंधित, उसके शरीर के भार, उसका कलर या उसके क्षेत्र को लेकर जो विशेषताएं वो प्रदर्शित करती है, या तो वो पूर्ववर्ती पुरानी नस्ल हो सकती है या उसे क्रॉस करके दो नस्लों के सहयोग से बनाया गया हो, उसे नस्ल कहा जाता है, ब्रीड कहा जाता है। उसकी मतलब कुछ विशेषताएं, कुछ गुण होते हैं, उसे नस्ल मतलब एक प्रकार से यूँ मानूँ कि उसका सिंगार उसके अंदर होता है। नस्ल के अंदर कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं, फैक्टर्स, उसको वेरीफाई किया जाता है कि इसके करेक्टर्स ऐसे हैं, इतना दूध देती है, इसके कान ऐसे होते हैं, या मतलब एक क्षेत्र में भी वो प्रचलित होती है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, नस्ल का मतलब या ब्रीड का मतलब कि एक मुख्य विशेषता के साथ में उसे वेरीफाई किया जाता है, प्रमाणित किया जाता है। चलो चलते हैं, आज पहला ही टॉपिक है, सबने बचपन में सुना ही होगा, गाय हमारी माता है। तो गाय की नस्लें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे। पशुपालन कृषि व्यवसाय के साथ जुड़ा हुआ एक मुख्य व्यवसाय है। क्या है? पशुपालन कृषि का मुख्य मतलब इंडिपेंडेंट, इसके ऊपर निर्भर है। हमारे यहाँ प्राचीन काल से पशुओं को विशेष महत्व दिया जा रहा है। गाय एक महत्वपूर्ण जानवर है। क्या है? जानवर है जो संसार में प्राय सर्वत्र पाई जाती है, इनकी विश्व में सभी जगह गायें पाई जाती है। भारतीय गाय से उत्तम किस्म का दूध प्राप्त होता है। क्या बोलता है कि भारतीय गायों से उत्तम नस्ल का दूध प्राप्त होता है, कि भारतीय गायों से उच्च गुणवत्ता वाला दूध प्राप्त होता है, इसलिए हिंदू गाय को गोमाता की क्या हिंदू इसलिए हिंदू गा हिंदू गा गाय को गोमाता मानते हैं। यानी कि एक रिलीजन से संबंधित बोल रहा है ये, कि इसलिए इसका दूध की अच्छी गुणवत्ता के कारण इसे माता का नाम या माता की उपाधि दी गई है। क्यों दी गई है? क्योंकि इसका जो दूध होता है गाय की अपेक्षा हल्का होता है, पाचन क्रिया के लिए अच्छा होता है और शरीर के लिए भी अच्छा होता है, मतलब इसलिए इसे माता की उपाधि दी गई है। यानी कि इसका दूध है वो गुणवत्तायुक्त होता है, शरीर के में किसी प्रकार का नुकसान नहीं करता। इसके बछड़े बड़े होकर गाड़ी खींचने व खेतों की जुताई करने में राष्ट्रीय पशु अनुसंधान ब्यूरो, अंडरलाइन कर लो NDRI, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक जेनेटिक, यानी कि राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो करनाल हरियाणा, कहाँ स्थित है? करनाल हरियाणा में स्थित है। राष्ट्रीय पशु अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हरियाणा में स्थित है, करनाल में। के अनुसार, यानी कि इस संस्थान के अनुसार भारत में गायों की कुल 40 नस्लें पाई जाती हैं। भारत में कुल कितनी नस्लें पाई जाती हैं? 40। इन्हें उपयोगिता के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, मतलब इसके यूज या उपयोग के आधार पर दृष्टि से गायों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जो है पहली होती है जो दूध के लिए पाली जाती है, यानी कि वह दूध के लिए जानी जाती है, यानी कि उनमें दूध देने की क्षमताएं अधिक होती है अन्य की अपेक्षाएं।
फर्स्ट कौन सी होगी, दूध वाली यानी कि दुधारू नस्लें। यहाँ पे मिल्च की जगह मिल्क आने चाहिए था, मतलब सर्वाधिक दूध देने वाली साहीवाल, लिख लो, पेन कॉपी उठा लो। नंबर वन पे सर्वाधिक दूध देने वाली साहीवाल, सर्वाधिक साहीवाल, सर्वाधिक साहीवाल, यानी कि सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल कौन सी है गाय की, तो वो है साहीवाल। फिर आती है सिंधी, फिर गिर, फिर राठी, फिर देवनी। इनका क्रम पूछ सकते हैं, सर्वाधिक कौन सी देती है, फिर उससे कम तो सिंधी, फिर गिर, फिर राठी, फिर देवनी। सर्वाधिक दूध कौन सी देती है, साहीवाल। साहीवाल का सारी हिस्ट्री अपन आगे पढ़ेंगे, सिंधी, गिर और राठी और देवनी। द्विकाजी यानी कि डबल पर्पज या डूडल ब्रिड्स, यानी कि दो उद्देश्य पूरा करने वाली गायें। द्विकाजी यानी कि दो उद्देश्य पूरा करने वाली, जैसे है थार फारकर, कांकरेज, हरियाणवी, इसे हरियाणा नहीं बोलते हैं, हरियाणवी, अंगोल, डांगी, पंगानूर, देवली, मेवाती, मेवाती, गाब, लाभ, सीरी, राठी, कृष्णाघाटी, निमाड़ी। ये क्या काम करती है, इनकी ये भार ढोने यानी कि खेत जोतने व दूध के लिए दोनों में उपयोगी है, मतलब इसलिए इन्हें दो उपयोग, द्विकाजी या दोहरा उपयोगी भी बोल सकते हो आप। इसके बाद आती है भारवाघ। भारवाघ जो केवल किस लिए फेमस है, वो खेतों को काम करने के लिए, पानी कुओं से पानी निकालने के लिए, और जैसे कि नागौरी, नागौरी नस्ल के बैल सर्वाधिक तेज दौड़ने वाले होते हैं। क्या इसके बैल, नागौर में जो बैल होते हैं नागौरी नस्ल के, वो बहुत तेज तर्रार दौड़ने वाले होते हैं, सफ़ेद कलर के होते हैं। मालवी, कंगायम, अमृतमाल, ये एक ही है, ध्यान रख लेना, अलग नहीं है। खिल्लारी, हल्लीकर, ये पिछली बार पूछी गई थी, खिल्लारी किसकी नस्ल है ये याद रख लेना। हल्लीकर, बच्चों और ऐसे नाम आते हैं, बाकी सब सुने हुए होते हैं, तो ये नाम अजीब गजीब है, तो इनको थोड़ा ध्यान रखें। तो खिल्लारी, हल्लीकर, बच्चों, खेरीगढ़, पंवार, बरगुर, केन खता, गंगा तीरी, ये है गायों की भारवाक नस्लें। उपरोक्त नस्लों से अतिरिक्त केरल प्रदेश में कम ऊंचाई छोटे आकार की वेचूर नस्ल, यहाँ से देख लेना, वेचूर नस्ल का मूल स्थान केरल, वेचूर नस्ल केरल की है, वेचूर नस्ल ये पूछ सकता है, इनको छोड़ के डायरेक्ट यहाँ आ सकता है वो पर्सन बनाने के लिए। वेचूर नस्ल किसकी है, इसका नेटिव यानी कि मूल स्थान कहाँ है, तो जिससे मिनीएचर गाय कहा जाता है। सबसे छोटी गाय कौन सी है, मिनीएचर का मतलब होता है सबसे छोटी, यानी कि आकार में सबसे छोटी होती है, और ये वेचूर नस्ल है, ये लिख लो कॉपी में। आकार की दृष्टि से सबसे छोटी नस्ल गाय की तो है, वो है वेचूर नस्ल, इसे मिनीएचर गाय कहा जाता है। भारतीय गायों के अलावा विदेशी गायें, ऐसा नहीं है कि विदेशी गायें भारत में नहीं पाली जाती हैं। भारतीय नस्लों के अलावा विदेशी गायों की नस्लें निम्नलिखित है, ब्राउन स्विस, जर्सी, आयसर शायर, आयरशायर, गर्नसी, शॉर्टहॉर्न, रेड डेन, होलस्टीन फ्रीजियन, ये सब इनके जो देश है ना उनके ही आधार पर इनके नाम है, ध्यान रख लेना। अब ये मिलान करना आपको आना चाहिए कि इसका मूल स्थान ब्राउन स्विस का स्विट्जरलैंड, जर्सी का मूल स्थान जर्सी द्वीप, आयरशायर का स्कॉटलैंड, आयरशायर का स्कॉटलैंड है, गर्नसी है गर्नसनी द्वीप, शॉर्टहॉर्न इंग्लैंड की है, ये याद रख लेना, शॉर्टहॉर्न इंग्लैंड की है, रेड डेन डेनमार्क की है, होलस्टीन फ्रीजियन कहाँ की है, हॉलैंड की है। तो क्वेश्चन यहीं से आएगा, सुपरवाइजर में कहीं आपको कोचिंगों के चक्कर में पढ़ोगे, एक स्लाइड में 5 वर्ड लिखते हैं और 15 मिनट बातें फेंकते हैं, तो ऐसा मत करो मेरे दोस्तों, क्योंकि स्लाइड में केवल 5 बिंदु लिखा के आपके 2 घंटे की क्लास ले रहे हैं, 15 मिनट, मतलब जो 15 मिनट का मैटर है ना उसमें आपका 2 घंटे खराब कर रहे हैं यूट्यूब ऑनलाइन क्लास वाले।
तो आप उनके चक्कर में ना पढ़ें। और ये बुक्स है मतलब किताबों में से क्वेश्चन यहीं से आएंगे, तो यहाँ मिलान वाला क्वेश्चन भी आ सकता है और इनका मूल स्थान भी आपसे पूछ लेता है। तो ये आपको रटना ही पड़ेगा कि ब्राउन सी स्विट्जरलैंड की है, जर्सी कहाँ की, जर्सी द्वीप की, आयसर शायर कहाँ की, स्काउटलैंड की है, स्काउटलैंड की है, और रेड डेन है डेनमार्क की। इसके अतिरिक्त भारत में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल कहाँ है, करनाल में है, द्वारा संकर प्रजनन यानी कि हाइब्रिड है, द्वारा गायों की कुछ संकर किस्में, कर्न फ्रिज ये क्या है, हाइब्रिड है, संकर यानी कि क्रॉस ब्रिड है, कर्न फ्रिज कर्न स्विच दोनों ही क्या है, क्रॉस ब्रिड है। चलो नोट करो, पहली नस्ल के बारे में लिखेंगे अपन, गिर। गिर एक प्रकार का वन है गुजरात के अंदर, उसी के आधार पर इसका नाम लिया गया है। यहाँ पर नहीं दिया हुआ है लेकिन मैं बता दूँ, उत्पत्ति स्थान विवरण ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इस नस्ल का मूल स्थान काठियावाड़ वन क्षेत्र गुजरात। गिर नस्ल का काठियावाड़ वन क्षेत्र गुजरात। ये नस्ल जूनागढ़ कहाँ पड़ता है, याद रखना, गुजरात में। भावनगर कहाँ पड़ता है, गुजरात में। अमेरली ये भी गुजरात में, याद रखना। जिलों में पाए जाते हैं, गिर नस्ल राजस्थान के अजमेर में, भीलवाड़ा में। राजस्थान में गिर नस्ल कहाँ कहाँ पाली जाती है, नौकी उसका होरिजन तो कहाँ है, इस नस्ल का मूल स्थान काठियावाड़ गुजरात। क्या लिखोगे, काठियावाड़ गुजरात या गिरवन, गिरवन इनकी गिर क्या प्रकार एक वन है, तो आप वहाँ गिरवन भी हो सकता है आंसर में। तो आप ये काठियावाड़ गुजरात, अगर डायरेक्ट गिर का मूल स्थान गुजरात राजस्थान एमपी तो ऐसे ध्यान रखना है, यहाँ पे सीधा क्या लिखना है, गुजरात। क्या लिखोगे, मेरे से माउस नहीं है तो गुजरात लिखना, यहाँ पे थोड़ा टफ हो रहा है मेरे लिए। तो ये याद रखना है, गिर नस्ल राजस्थान में किस किस जिले में पाई जाती है, अजमेर भीलवाड़ा में पाई जाती है। कहाँ कहाँ पाई जाती है, अजमेर और भीलवाड़ा में। इसको देख लो अच्छे से, इसकी गिर की जो इसे रेंडी जैसा मतलब अपन कह सकते हैं मारवाड़ी गायों की तरह होती है, इसकी क्या करेक्टर्स हैं, इस नस्ल के पशुओं का रंग लाल होता है, कैसा होता है देख लो, नस्ल का रंग लाल होता है, सफ़ेद जिस पर काले कतई व सफ़ेद धब्बे, कभी कभी इन पे धब्बे भी होते हैं, शरीर सुडोल भारी, कान लंबे, कान क्या होते हैं इनके, ये लंबे कान होते हैं ना, तो ये ध्यान रखना गिर की क्या क्या विशेषताएं हैं, सुडोल भारी लंबे लटकते हुए कान, माता चौड़ा उभरा हुआ सिंह, लंबे मोटे गर्दन, लंबी पतली तथा आयन पीछे तक फैला हुआ होता है। गिर गाय का भार, इसका वेट कितना, 300 से 450 किलोग्राम यानी कि 3 क्विंटल से 4.5 क्विंटल के बीच इसका वेट होता है। नर का यानी कि जो बुल होता है उसका वेट होता है 500 से 650 किलोग्राम। ये उपयोगिता यूटिलिटी, इस नस्ल की गाय का दूध उत्पादन कितना, यहाँ से गिर का दूध उत्पादन प्रति ईयर या एक ब्याथ पे, एक बार जब जाती है तो 1500 से 1800 लीटर प्रति ब्यांत, जिसमें औसत वसा यानी कि गिर गाय के दूध की वसा की मात्रा होती है 4.5 यानी कि फैट 4.5 होती है, और इसकी एक बार ब्याने पर मतलब 1500 से 1800 लीटर ये एक बार में दूध उत्पादन देती है। तो गिर के बारे में और तो आपको पूछने वाला नहीं है, इसका मूल स्थान काठियावाड़ गुजरात है, और इसके अलावा ये राजस्थान में भीलवाड़ा और अजमेर में पाली जाती है। ठीक है, अब आ जाओ दूसरी नस्ल पे, ये लिखो नोट करो, थार फारकर। इस उत्पत्ति स्थान व विवरण, इसका मूल स्थान पाकिस्तान में है, क्या है, थारपारकर पाकिस्तान का
सिंध प्रांत कहाँ पे है? थारपार का मूल जो इसका मतलब इसका उत्पत्ति स्थान है वो सिंध प्रदेश, थारपार का मूल स्थान है पाकिस्तान। तो सिंध प्रदेश या सिंध प्रांत है जो इसका नेटिव यानी कि होरिजन है, इनकी उत्पत्ति है, और थारपार ऐसी होती है, देख लो आप। ये नस्ल गुजरात के कच्छ के रण क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? इसका होरिजन तो है पाकिस्तान का सिंध प्रांत, लेकिन पाली जाती है गुजरात के कच्छ रण के क्षेत्र में पाई जाती है। थारपार नस्ल राजस्थान में कहाँ कहाँ पाई जाती है? एक तो गुजरात में भी पाई जाती है। कहाँ? एक तो गुजरात के रन मतलब वहाँ का डेजर्ट फोर्ट जो इलाका है। थारपार नस्ल राजस्थान में जैसलमेर, थारपार राजस्थान में जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर ज़िलों में पाली जाती है या पाई जाती है। थारपार राजस्थान में किस किस ज़िले में पाई जाती है? तो जैसलमेर, मतलब तीनों ज़िले देगा, तीन ऑप्शन देगा थारपार निम्न में से किस ज़िले में पाई जाती है, तो एक साथ भी दे सकता है, जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। तीसरे में दे देगा पाली, नागौर, सिरोही। फिर चौथे में भीलवाड़ा, अजमेर, सिरोही, ऐसे दे देगा। तो आपको एग्जैक्ट ज़िले याद होने चाहिए, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर में थारपार पाली जाती है। इसकी विशेषता, इस नस्ल के पशुओं का रंग सफ़ेद या दुसुर हल्का भूरा होता है, शरीर मध्यम सुटील ललाट चौड़ा, कान लंबे नथुन चौड़े, सींग मध्यम गर्दन पतली लंबी, कुबड़ उठा हुआ तथा अनैन, अनैन को मतलब होता है इसका थन, पूर्ण विकसित होता है। थारपार गाय का भार 380 से 400 किलोग्राम होता है, यानी कि गिर से कम वजन होता है, जो गिर अपन ने फर्स्ट में पड़ी थी उससे इसका वजन कम होता है। उपयोगिता, थारपारकर नस्ल की गाय का उत्पादन, दूध उत्पादन 1600 से 2000 लीटर, उसमें था 1500 से 1800, यानी कि थारपारकर अधिक दूध देती है गिर से, ये याद रख लेना, ठीक है। प्रतिब्यांत, बैल की जुताई करने, गाड़ी खींचने में भी काम लिया जाता है। अब आती है तीसरी नस्ल, लिखो हरियाणवी। इसका नाम से ही पता लग रहा है कि इसका ओरिजिन कहाँ है। इसका मूल स्थान हरियाणा क्षेत्रीय नस्ल रोहतक, इसका मूल स्थान कहाँ है? रोहत, हरियाणा क्षेत्र रोहतक, हिसार, करनाल, गुड़गांव, पंजाब, सॉरी दिल्ली व पंजाब में पाई जाती है। हरियाणा नस्ल राजस्थान के में, यहाँ से लिखो, अपन से राजस्थान वाले क्वेश्चन करेंगे वो, तो कहेंगे कि हरियाणवी नस्ल राजस्थान के निम्न में से किस जिलों में पाली जाती है, तो ये तीन जिले हैं सब, अलवर, भरतपुर और हरियाणा से जो टच होते हैं उन क्षेत्रों में पाली जाती है। अलवर भरतपुर तो इम्पोर्टेंट है कि हरियाणवी नस्ल अलवर भरतपुर में पाली जाती है, ठीक है। इसकी क्या विशेषताएं? इस नस्ल के प्रमुख रंग सफेद होता है हरियाणवी का, शरीर सुडोल होता है, लटकते हुए तनुन काला, नथुने चौड़े, सिंग लंबे पतले, गर्दन सेम सी चीज़ लिखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं। हरियाणा नस्ल की गाय का भार 300 से 500 किलो, 360 किलो होता है, जबकि जो नर होता है उसका 500 केजी होता है। यूटिलिटी, इनकी उपयोगिता, हरियाणा नस्ल की गाय का दूध उत्पादन 1000 से, इनकी उनसे कम दूध देती है, 1000 से 1500 लीटर प्रति ब्याह देती है। आ गई नागौरी, इसका उत्पत्ति स्थान राजस्थान नागौर जिला ही है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो नागौरी राजस्थान के नागौर जिले का मूल स्थान है, जोधपुर व नागौर जिला है, यानी कि दोनों ही आंसर में हो तो राइट होगा आपका, ध्यान रखना। राजस्थान में जोधपुर व नागौर इसका मूल स्थान है, इनकी इसकी उत्पत्ति है। राजस्थान में जोधपुर नागौर जिला व लगे हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। विशेषता क्या है? नागौरी नस्ल के पशुओं का रंग सफ़ेद, पहले बताया था मैंने, नागौरी नस्ल के जो बैल होते हैं वो बहुत सफ़ेद होते हैं, सुसंगठित, शक्तिशाली, यानी कि शक्तिशाली, कान लंबे, पेट गर्दन मजबूत, सिंह कर अंदर से चौड़े, जो कि छाती पैर पीछे मजबूत, कुबड़ उठा हुआ, ऐन सामान्य होता है। नागौरी गाय का भार 400 किलो होता है, नर का भार 500 किलोग्राम होता है। उपयोगिता, इस नस्ल का गाय का दूध उत्पादन 600-900 लीटर बैल कृषि कार्य के लिए, यानी कि नागौरी नस्ल का बैल जो है बहुत ही अच्छे खेती के कार्य में उपयुक्त माने जाते हैं। अब आ जाओ साहब आप मालवी में, ज़्यादा इस पर क्योंकि आपको होरिजन याद रखना है और उसकी विशेषता याद रखनी है। मालवी, मालवी MP से रिलेशन रखता है। इसका मूल स्थान मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन।
मालवा कहाँ पड़ता है? एमपी में पड़ता है। ये तीनों जिलों में इसका होरिजन है। मालवा क्षेत्र का जिला मंदसौर, रतलाम और उज्जैन, ये तीनों जिलों में इसका होरिजन मालवा यानी कि एमपी। सीधा अगर एमपी आंसर है तो एमपी मालवी नस्ल का होरिजन कहाँ है या उत्पत्ति स्थान कहाँ है तो एमपी, और अगर जिला आता है मंदसौर, रतलाम, उज्जैन तो तीनों में से ये भी आपका राइट होगा। मालवी नस्ल राजस्थान में कहाँ पाली जाती हैं ये याद रखो, यहाँ चित्तौड़, बांसवाड़ा, झालावाड़। मालवी चित्तौड़ यानी कि जो एमपी से टच करते हैं वो जिलों, वहाँ पे मालवी पाली जाती है, झालावाड़। मालवा का याद रख लेना, एमपी एमपी से रिलेशन है मालवी नस्ल का। विशेषता, इस नस्ल के पशुओं का रंग लोहा दुसूर हल्का सफ़ेद होता है, शरीर गठीला छोटा सिंह, मोटे कान छोटे चौकन्ने, खड़े हुए गर्दन सांगे। चलो मालवी गाय का बार 300 से 400 ग्राम और इतना, और इसकी उपयोगिता है नस्ल की गाय दूध से 700 दूध कम देती है, 700 से 900 लीटर प्रति में बेल कर सिखा रहे हैं, तो मालवी के बेल भी अच्छे माने जाते हैं। मेवात, हरियाणा में आता है मेवात। मेवाती का उत्पत्ति स्थान, इसका मूल स्थान मेवात का हरियाणा ये और राजस्थान मेवात क्षेत्र माना जाता है। हरियाणा और राजस्थान मेवाती, हरियाणा और राजस्थान मेवात भरतपुर अलवर, क्या याद रखोगे, भरतपुर अलवर के आसपास का क्षेत्र मेवात। हरियाणा और राजस्थान से जैसे कि अलवर आ गया, ये आ गया, ये भरतपुर आ गया, दोनों जिलों में मेवाती पाई जाती है। विशेषता, इस पशुओं के सफ़ेद होता है परंतु सिर गला हल्के काला रंग भी पाया जाता है, शरीर। उपयोगिता है, इस मेवाती नस्ल का दूध उत्पादन 800 से 1000 लीटर प्रति व्यक्ति तथा बेल कर शिकार शक्ति के लिए तेज माने जाते हैं। मेवाती को तो बेल का भी उपयोग, स्पेशल जिसकी विशेषता है ना उसको याद रखना है, पूरी तो ऐसे याद करनी जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी एक एक बार उनका रिलेशन पूछ लें कि मेवाती का रिलेशन किस जिले से है या इसका। अब आती है राठी, इसे राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है, आपको पता हो तो। इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है। इस नस्ल का मूल स्थान राजस्थान ही है। राठी का मूल स्थान पश्चिमी क्षेत्र माना जाता है, इनकी पश्चिमी क्षेत्र में आ गया आपका बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर, ये आ गया जैसलमेर और गंगानगर, बीकानेर। यानी कि राठी कहाँ पाली जाती है? जैसलमेर, गंगानगर, बीकानेर। राठी का संबंध कहाँ से? जैसलमेर, गंगानगर से, और राजस्थान की मूल नस्ल है राठी। राठी राजस्थान की मूल नस्ल है। इस नस्ल के पशुओं को लाल रंग सफ़ेद हल्का लाल के रंग जैसा काले या लाल धब्बेदार होते, शरीर पर डला मध्यम आकार का चेहरा चौड़ा। राठी गाय का भार 350 से 300 ग्राम और भार मतलब जो नर होता है उसका 500 से 550 उपयुक्त है। राठी नस्ल का दूध उत्पादन 1200 से 1500 होता है, जिसमें 4 से 4.5% और इसके जो राठी के बेल हैं खेती के लिए उपयोग किए जाते हैं। एक बार फोटो देख लो राठी का कि ऐसे चमकीले धब्बे होते हैं राठी के, और इसे राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है, इसमें नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, लिख लो। अब आती है आपकी जर्सी। जर्सी ये जो विदेशी नस्ल है और इसका ओरिजिन मूल नस्ल मूल स्थान इंग्लिश चैनल जर्सी द्वीप, यानी जर्सी का मूल स्थान कहाँ है? जर्सी का मूल स्थान जर्सी द्वीप कहाँ है? जर्सी का इंग्लिश के जर्सी द्वीप से है। ये नस्ल भारत और राजस्थान में भी अधिक दूध उत्पादन के लिए पाली जाती है, यानी कि जर्सी राजस्थान में भी सूटेबल है भारत में। इस नस्ल के पशुओं का रंग हल्का बादामी सफ़ेद धब्बेदार, ये देख लो आराम से देख लो, पहले फोटो देख लो, जर्सी ऐसी होती है, लंबी होती है और इसके कुबड़ नहीं होती है। इसमें तापमान और सहन करने की क्षमता कम होती है, थोड़ा ये ध्यान रखना। दूध बहुत देती है, 15 लीटर तक प्रति एक टाइम पर दूध दे देती है, लेकिन इसमें कुबड़ नहीं होती है। जर्सी में क्या होती है? कुबड़ नहीं होती है। ये वहाँ की क्लाइमेट की कंडीशन के आधार पर है। जर्सी गाय की देखो अब दूध, जर्सी गाय कितना दूध देती है ये देखो आप, तो 4000 से 4200 लीटर प्रति ब्याह, यानी कि एक बार में, और वसा की 4 से 5%
बैल भी कृषि कार्य के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं। क्रॉस, अगर जर्सी के संबंध में बैल की आ जाए तो उसके जो बैल होते हैं बच्चे बछड़े उसको कृषि के लिए अच्छे नहीं कर सक मतलब उपयोग में नहीं ले सकते। अब आती है ओलस्टीन फ्रीजियन, ये उत्पत्ति स्थान, इस नस्ल का मूल स्थान हॉलैंड, क्या है, नीदरलैंड। अगर आप नीदरलैंड भी आता है ऑप्शन में तो आपका आंसर राइट होगा। तो जर्सी का सॉरी होलिस्टीन फ्रीजियन का जो उत्पत्ति स्थान है वो है नीदरलैंड। यह नस्ल दुनिया में भर में दूध उत्पादन में सो प्रसिद्ध है, क्या है, होलिस्टीन फ्रीजियन जो दूध के लिए सबसे प्रसिद्ध है, होलिस्टीन जो दूध के लिए सबसे होलिस्टीन फ्रीजियन सर्वाधिक दूध कौन सी तथा भारत में राजस्थान में बहुत से पाली जाती है, इसकी विशेषताएं। इस नस्ल के पशु का रंग काला, बड़ी सफ़ेद चित्तियों वाला होता है। शरीर आकार कुबड़ रहित होता है। सिंग छोटे सिंग रहित भी होते हैं। सिर के ऊपर का भाग उभरा हुआ, कान रहते हैं। होलिस्टीन फ्रीजियन गाय का भार 600 से यानी कि भारतीय गायों की अपेक्षा इनका वेट भी बहुत ज़्यादा होता है। या भारत के जो बैल होते हैं उनका भी वजन इतना नहीं होता, लेकिन इनकी जो मादा होती है उसका भी इतना वजन होता है, जबकि इनके जो नर होता है उसका 1000 क्विंटल 900 से 1000 क्विंटल तक इनका वजन सबसे भारी नस्ल है, ये नोट कर लो। होलिस्टीन फ्रीजियन सबसे भारी नस्ल कौन सी है, होलिस्टीन फ्रीजियन नस्ल की गाय दूध उत्पादन 5000 से 6000 लीटर प्रति व्यात देती है। दूध में वसा की मात्रा 3.4% के लिए उपयुक्त नहीं माने जाते हैं। अब मैं गायों की नस्लें कंप्लीट हो गई है। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट अगले वीडियो में।